कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच बातचीत जारी है। विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। कृषि कानूनों को रद्द करने पर किसान अड़े हुए हैं। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। आपको बता दें कि किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों की ओर से एक ही मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि MSP के मुद्दे पर रार लटकी हुई है। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि कृषि कानूनों को लेकर जो MSP का भी बिल बनाया गया है उसको लेकर भी सरकार सोचे, विचार विमर्श करे और इस पर भी कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार की ओर से एक ही बात कही जा रही है कि कृषि कानूनों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। इसी के चलते विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। इससे पहले कि अगर बातचीत की बात करें तो 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज 9वें दौर की बातचीत हो रही है जिसमें सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि हम तब तक टिके रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। और इसी के साथ ही अगर राकेश टिकैत की बात की जाए, भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनकी ओर से ये कहा गया है कि 2024 तक हम टिके रह सकते हैं अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है। तो आपको बता दें कि किसान लगातार अपनी मांगों पर टिके हुए हैं कड़ाके की ठंड के बीच, और इसी के साथ बारिश का मौसम भी किसानों ने झेला है लेकिन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि संशोधन किया जा सकता है। और अगर इससे पहले कि 7वें दौर की बातचीत की बात करें तो सरकार ने 2 मांगों पर हामी भरी थी लेकिन किसानों की ओर से आज एक ही बात कही जा रही है कि आर पार की लड़ाई है, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम बेझिझक वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले वक्त में आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। इसी को लेकर किसानों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन किसान कृषि कानूनों की प्रति को जलाएंगे, कॉपी को जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।